हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह सुबह 7 बज रहे हैं और 7 बजे मैं आया हूँ मार्केट में। सुबह गुंजा को बताया नहीं है मैंने, वो पूछ रही थी कहाँ जा रही है तो मैंने बताया नहीं। उसको लग रहा है कि मैं मुझे याद नहीं है। आज उसका बर्थडे है, आज बड़ी दिवाली है। एक्चुअली बड़ी दिवाली पर बर्थडे रहता है ना उसका, तो छोटा सा केक लेने आया हूँ और जो मिल जाएगा वो ले लूँगा। 7 बजे मुझे लगता नहीं यहाँ पर दुकानें खुली हैं, सारी दुकानें बंद पड़ी हैं यार। पर देखते हैं, कहीं कुछ भी मिलता है छोटा सा ले लूँगा। तो उसको ऑफिस जाने से पहले उसको दे दूँगा सरप्राइज़, खुश हो जाएगी बस और कुछ नहीं। तो चलो चलते हैं भाई। मैं ना अभी कम से कम 15 से 20 मिनट हो गए, मुझे 20 मिनट से इधर उधर घूम रहा हूँ, कहीं पे भी मुझे केक नहीं मिला। तो मैं सोच रहा हूँ अभी किसी शॉप से ब्राउनी ले कर चला जाऊँ, क्योंकि अभी दुकान ही नहीं खुली है यार एक भी। और मैं भाई साहब 20 मिनट हो गए मुझे घूमते घूमते। देख रहा हूँ एक मार्केट और है यहाँ पे मेरे, यहाँ पे वहाँ जा रहा हूँ मैं, देखते हैं वहाँ पे मिल जाए अगर कुछ, पर लेके तो ज़रूर जाऊँगा आज। मतलब ये जो दुकानें लगाई हैं ना, सजी हुई हैं, जैसे ये वाला स्वीट्स एंड केक, तो ये खुला हुआ था, यहाँ से ले लिया मैंने। अब भाई टाइम हो गया बहुत, करीब आधा घंटा हो गया घूमते घूमते। अब चलते हैं, नहीं तो निकल जाएगी गुंजा और उसे शक भी हो जाएगा फिर। बेटू आंखें बंद कर लेना। और आरू के लिए भी लेके आया था, ऐसा नहीं है कि मैं आरू के लिए नहीं लाया हूँ। अरे ये चुटकू सा केक और है। एक और मिलेगा, कह रहा है एक और मिलेगा। आरू का ये तो बड़ा अच्छा केक है। हाँ यम्मी, यम्मी। नहीं, ये वाला आरू खा लेगा और ये वाला आप पैक करके ले जाना, ठीक है? कौन सा? ये वाला। क्यों? हाँ ये आरू खाएगा कि ये खाएगा बताओ? तो दोनों ही खाएंगे। कैसा लगा बेटू सरप्राइज? मस्त, जैसा भी खाया छोटा सा। जैसा क्या? बढ़िया, तुम्हारी कसम। हाँ, तेरा गिफ्ट उधार रह गया बस। अभी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम चल रही है इसकी वजह से। गुंजा का गिफ्ट मैं एक साथ दूंगा इसको किसी दिन सारे गिफ्ट। 6.5 hours later तो आज है बड़ी दिवाली, आज ये पैदा हुई थी। तो इनका बर्थडे भी तो हमने सुबह काटा था, केक वगैरह देखा होगा आपने। अभी मैं नहा लिया हूँ फिर से, क्योंकि मम्मी के यहाँ से आया था तो वहाँ बहुत सारे काम कराए थे आज। तो वीडियो वो भी देखी होगी आपने शायद, इसके पहले या इसके बाद, वो भी सरप्राइज़ की वीडियो थी मम्मी के लिए, वो भी शूट करके लाया था। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि गुंजा का ऑफ नहीं था, छुट्टी नहीं है इसको। आप लोग दिवाली पे दिए जलाएं, पटाखे कम जलाएं, अगर जलाएं
तो जीव जंतु पक्षी होते हैं ना, उनको देख के जलाए, कहीं वो आसपास तो नहीं है, ठीक है, ऐसे आप जलाए। हाँ, क्योंकि हम रास्ते में अभी आ रहे थे कुंजा को लेके, तो वहाँ पटाखे चला रहे थे भाई, बाइक में आग लग गई पटाखों के चक्कर में, आज मैं रो रही थी वो। तो प्लीज जो जानवर होते हैं ना, वो उनको भी परेशान नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप देख रहे हो कहीं जानवर परेशान है कुछ भी है, तो उनको सेफ जगह रख दो। चलो, आई होप कि आप लोग सब ऐसे करते होंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग करते हैं। तो अभी दिवाली के दिए जलाते हैं, मम्मी का फोन आया था कि 5 दिए जला लेना, ये गुजारे लगा लिए कुछ थाली, और पूजा करके बस चलते हैं बाहर, क्योंकि हम बाहर भी जाएंगे अभी। तो ये लग गए हैं हमारे दिए, ये देखो, ओफो वाओ। गुंजा बर्थडे वाले दिन लग रही है नई बहू की तरह, जैसे नई बहू आई है, 10 साल हो गए शादी को। देखो लग रही है ना, मार्केट में तो यार देखा मैंने, 2-3 जगह पे देखा था, कोई खुला ही नहीं यार कुछ खाने पीने वाला, मतलब मिठाइयों की शॉप खुली हुई है, बाकी अभी बीकानेर पे आए हैं इधर। चलो देखते हैं इसमें कुछ मिलता है तो। हाँ, दिवाली का ही है आज भी, इन पे दिवाली का ही है, सारा बंद पड़ा हुआ है मामला। चलो उस पे चलते हैं। ये है हमारा चौधरी ढाबा, देखते हैं आज इस पे भी बंद है कि नहीं। हाँ यार, इस पे भी बंद है लग रहा है, आज बंद है ना, आज हर जगह बंद है यार, आज हर जगह बंद है। चलो यार, पूजा के बर्थडे पे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है, आज तो भूखा मार देगी लग रहा है ये। तो देखो, हम लोग आए थे अभी पिज़्ज़ा खाने के लिए, बाकी हमें कुछ और मिला नहीं, तो पिज़्ज़ा की शॉप पे आ गए थे गुंजा को खिलाने के लिए। ये देखो, ये यहाँ सो रही है, यहाँ आके भी सोई रही है। आ गया। तो आरू के लिए हमने पटाखे भी ले लिए, मतलब ठीक ठाक ही ले लिए उसके लेवल के हिसाब से। तो अभी इसकी नींद उड़ गई है, जैसे ही कहता ऑर्डर आया है वैसे ही जाग गई, वैसे सो रही थी ये। क्यों, कैसा लग रहा है? बढ़िया, आज बेचारी का बर्थडे है तो चलो खिला देता हूँ।